मसकली के सफर पर स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ नफीसा खान। तो चलिए आज यही जानते हैं कि किन लोगों को रोजाना अरहर की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आप एसिडिटी और अपच जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं तो आपको अरहर की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। अरहर की दाल पचने में काफ़ी वक्त लेती है, ऐसे में इसका सेवन करने से आपको खट्टी डकारें आ सकती हैं और पाचन खराब हो सकता है। अरहर की दाल में पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है। पोटेशियम की अधिकता किडनी संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकती है। यदि आप किडनी के मरीज हैं तो अरहर की दाल का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में अरहर की दाल का सेवन करने से पथरी की समस्या भी हो सकती है। अरहर की दाल में प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है और जैसा कि हमने बताया कि प्रोटीन पचने में समय लेता है, ऐसे में कई बार कब्ज की समस्या हो जाती है। कब्ज की समस्या में मल त्याग के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, इसीलिए अगर आप पाइल्स यानी बवासीर के मरीज हैं तो आपको अरहर की दाल का सेवन करने से ज़रा बचना चाहिए। जिन लोगों को एलर्जी और त्वचा संबंधी समस्याएं रहती हैं उन्हें अरहर की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। अरहर की दाल का रोज़ाना सेवन करने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, ऐसे में अगर आप पहले से ही यूरिक एसिड के मरीज़ हैं तो अरहर की दाल का सेवन करने से परहेज करें। अगर आप पेट में गैस की समस्या से अक्सर परेशान रहते हैं तो अरहर की दाल का सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अरहर की दाल में कैलोरी की अच्छी मात्रा होती है और अगर आप अरहर की दाल को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो ये आपके वज़न को बढ़ा सकता है। ज़्यादा कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा वज़न को तेज़ी से बढ़ाने का काम करती है। अरहर दाल की ज़्यादा मात्रा में सेवन आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है, इससे डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है और कई दूसरी परेशानियां भी आपको हो सकती हैं। तो ये नुकसान कुछ होते हैं अरहर दाल के, लेकिन इसके बावजूद अरहर की दाल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये दाल कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होती है और ये दाल शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होती है, लेकिन इसका संतुलित मात्रा में ही सेवन किया जाना चाहिए ताकि इससे आपके शरीर को फायदे मिल सकें। अगर इस दाल को डेली अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो कई तरह की परेशानियां आपको हो सकती हैं। अगर आप गठिया अर्थराइटिस समेत पेट से जुड़ी किसी गंभीर समस्या से पीड़ित हैं तो इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो आज हमने जाना कि अरहर की दाल किस मेडिकल कंडीशन में या किस तरह के लोगों के लिए सही नहीं होती। अगर इसका एक संतुलित मात्रा में ही इस्तेमाल किया जाए तभी ये दाल फ़ायदा देती है। तो इन बातों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्दी अरहर की दाल के जो फ़ायदे होते हैं उस पर भी एक ख़ास वीडियो आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। फिलहाल आज की ये ख़ास जानकारी, आज का ये ख़ास वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसकली को और देखते रहें मसकली। शुक्रिया।